नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। आप देख रहे हैं खबर असरदार। खबर असरदार में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। इंदौर में बैंक लूट का आरोपी अरुण कुमार गिरफ्तार हो चुका है। यूपी के एटा से पकड़ा गया है पीएनबी में लूट का आरोपी। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अपने मामा के घर छिपा हुआ था ये आरोपी अरुण कुमार, और आरोपी को गिरफ्तार कर इंदौर रवाना हुई है पुलिस। डीसीपी ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त इंदौर से। दरअसल पीएनबी बैंक में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था और यूपी के एटा से इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। आरोपी अरुण कुमार बैंक लूट का इकलौता किरदार। तो ये बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। लाखों की लूट यहां पर की गई थी। 7 लाख से ज्यादा का कैश लूट करके ये फरार हुआ था। सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुआ था। फायर भी इसके द्वारा किया गया था। तभी से ही जांच पड़ताल में तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई थी और दावा भी कर रही थी कि जल्द से जल्द इस आरोपी की गिरफ्तारी होगी। और देखिए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो भी चुकी है। यूपी के एटा से ये आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम है अरुण कुमार। अब गिरफ्तारी हुई है तो अब पूछताछ भी कड़ाई से होगी। पहले भी क्या इसी तरह की लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है या इस पर कई और भी मामले, गंभीर मामले दर्ज हैं, ये सभी जांच के विषय हैं। और मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से और जानकारी के साथ। मिथिलेश, 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए थे तब ये सुराग मिला था और अब आखिरकार गिरफ्त में भी आ गया अरुण कुमार। जी बिल्कुल, और इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और ये मूल रूप से जो आरोपी है ये एटा, उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला था और अपने मामा के घर में जा छुपा था। और पुलिस को अलग अलग सीसीटीवी सामने आया था, लगभग 1176 लगभग सीसीटीवी और फुटेज पुलिस ने खंगाले थे। तब उसके घर पहुंची थी और घर से पंजाब नेशनल बैंक की 3 लाख रुपए भी जो स्लिप लगे हुए थे वो नोट भी बरामद हो गए थे। रेनकोट, गाड़ी और जो शूज और बंदूक का इस्तेमाल किया गया था वो सब कुछ वहां से मिल गया था। पत्नी ने बताया भी कि ये फोटो देखकर कि मेरे पति हैं, लेकिन देर रात पैसे देकर घर से निकल गए। उसके बाद लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी इंदौर पुलिस, और पुलिस की अलग अलग टीम जो है अलग अलग ठिकाने पर दबिश दे रही थी। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खासतौर पर डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा पूरे इस जो ट्रैक रूट है उसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगातार डीसीपी इस पूरे मूवमेंट को देख रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी सफलता मिली है। बड़ी सफलता मिथिलेश यहाँ पर हम कह सकते हैं, पर बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर इन बदमाशों तक हथियार कहाँ से पहुंच रहे हैं, कौन मुहैया करा रहा है। और सवाल यह भी है कि आर्थिक राजधानी में लगातार ये जो तस्वीरें लूट, डकैती, चोरी, चैन स्नेचिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, इस पर प्रशासन पर भी सवाल लगातार उठते आए हैं और उठेंगे भी। जी बिल्कुल, ये सवाल उठेंगे भी क्योंकि दिन दहाड़े बैंक के अंदर लूट की बड़ी घटना हुई थी। तो पुलिस की कार प्रणाली पे लगातार सवाल भी खड़े हो रहे। लेकिन अरुण कुमार सिंह जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था वो रिटायर्ड फौजी नहीं है। पहले ये बात सामने आ रही थी कि वो रिटायर्ड फौजी है, बाद में जानकारी ये मिली कि उसे सेना से निकाल दिया गया था। उसके ऊपर आरोप लगे थे शराबखोरी के, अनुशासनहीनता के। 2006 में उसे सेना से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद वो इंदौर के अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड के लिए उसने एक 315 बोर की लाइसेंस ले रखी थी और चूंकि पहले आर्मी में काम कर चुका था इसलिए बड़ी आसानी से ये बंदूक मिल गई थी। अब जहां पर इस वक्त ये लूट की घटना को अंजाम दिया उसके ठीक पास में एक ज्वेलरी शॉप में पिछले 6 महीने से काम कर रहा था और काम करते करते उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि उसे इस बैंक में लूट की बड़ी घटना को अंजाम देना है। 6,64,000 रुपए लेकर आरोपी लूट कर फरार हो गया था। 3 लाख घर में दिया था, बाकी पैसे वो लेकर एटा चला गया था। इंदौर पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। अब इंदौर पुलिस लगातार उससे पूछताछ करेगी कि क्या इसके पहले भी कोई घटना जी है और कोई और भी शामिल है। तो हर चीज को लेकर जांच चल रही है। ठीक मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबर असरदार में और विस्तार से खबरों को देखेंगे। यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा हुआ। चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा में डीरेल हो गई। हादसे में कई यात्री जख्मी हुए हैं और राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आखिर कैसे हुआ यह हादसा, आइए जानते हैं। चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा में डिरेल हो गई। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रेल हादसे में कई लोग घायल हो गए। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे, अचानक ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे की तरफ से अब तक दी गई जानकारी के मुताबिक कम से कम 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद लोगों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई।
सबसे पहले स्थानीय लोग ट्रेन का हादसे का शिकार यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद गोंडा प्रशासन और रेलवे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सक्रिय हो गया। तेजी से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है बता? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। बड़ा सवाल ये है कि इस रेल हादसे की असल वजह क्या है? चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार कैसे हो गई? इस हादसे के कारणों की असल वजह क्या है? अचानक पटरी से डिब्बे कैसे डिरेल हुए? यह हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल सके हैं। रेलवे की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक जांच के बाद ये बताया जा रहा है कि ट्रेन काफी धीमी गति से चल रही थी। यही वजह है कि हादसे में ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। सरकार और प्रशासन का पहला फोकस घायलों की मदद पर है, उसके बाद हादसे के कारणों पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बात हाथरस कांड की। हाथरस भगदड़ कांड के करीब 16 दिन बाद एक बार फिर सूरज पाल और नारायण साकार हरी कैमरे के सामने आए, लेकिन कैमरे के सामने आते ही उन्होंने बेतुका बयान दिया, असंवेदनशील बयान दे डाला और कहा कि होनी को आखिर कौन डाल सकता है। सैकड़ों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा और बाबा नारायण हरि ज्ञान दे रहे हैं। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। बाबा के सत्संग में 123 लोग भगदड़ में मारे गए और बाबा अपनी आध्यात्मिक डायरी से होनी अनहोनी पर प्रवचन दे रहे हैं। होनी को कौन टाल सकता है। 2 जुलाई को हाथरस में हुई भगदड़ के बाद से बाबा सूरजपाल अब प्रकट हुए हैं। कहां अंतर्ध्यान थे, ना पुलिस पता लगा पाई और ना कोई और। बाबा खुद किसी गुप्त लोक से बाहर आए और वो कह गए जो सैकड़ों परिवारों के जख्मों को कुरेद गया। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। हमने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से, कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तनमन धन से खड़े रहेंगे। इसे विडंबना ही कहिए कि अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान देने का दावा करने वाले सूरजपाल जब सामने आए तो ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्टेड मटेरियल को साथ लाए हैं। जो सामने लिखा है वही बोलना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। हमारे वकील डॉक्टर एपी सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से वो भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। सोचिए, बाबा जब से फरार हैं तब से लगातार पुलिस को चकमा दे रहे हैं। जगह जगह छापेमारी हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इस बीच बाबा खुद अपने भक्तों के बीच कासगंज के बहादुरपुर आश्रम पहुंच गए, जहां उनकी पत्नी भी मौजूद थी और वकील एपी सिंह भी। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी अब हाथरस भगदड़ कांड को लेकर एक्शन में आ गया है। महंत राजेंद्र दास ने बाबा को ढोंगी बताया है। अभी तो बाबा साधु भिखारी और जो है भगला कपड़ा पहन के जो है ये
अत्याचार दुराचार कर रहे हैं, तो हम लोग अखाड़ा परिषद, अखाड़े के सभी संत उस पे सक्रियता है और आगे भी सक्रिय रहेंगे कि यह मेला में ऐसे फर्जी लोग न घुस पावे। गुमराह कर रहे हैं तो हकीकत में चमत्कार है ही नहीं। अगर चमत्कार होता तो पब्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक जो है एक हाथ खड़ा करते और पैसा आ जाता। यह सब खेल कहीं ना कहीं पैसे के लिए, ऐसे फर्जी लोग कुंभ मेला में जो है घुस के और जो है कोई भी अप्रिय घटना न घटे उसके लिए सक्रियता का पूरा रोल अदा करें। हाथरस भगदड़ कांड की कहानी में बहुत सारा सच सामने आना बाकी है, क्योंकि सवाल उन 123 लोगों का है जिन्होंने 2 जुलाई को हुई भगदड़ में अपनी जान गंवाई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सोशल मीडिया पर चल रही सियासी लड़ाई अब ऑफर तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया है। अखिलेश ने मॉनसून ऑफर दिया है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। रिपोर्ट देखिए। यूपी में मॉनसून आने के बाद से सियासत भी मॉनसून वाली हो गई है। सोशल मीडिया पर वार पलटवार वाले बयानों की बरसात हो रही है। विपक्ष के हमले और बीजेपी नेताओं का पलटवार भी जारी है। यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह का आरोप लग चुका है। अखिलेश यादव ने इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मॉनसून ऑफर देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश के इस पोस्ट को बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ में हुई यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे, जिसके बाद से अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे थे। अखिलेश ने बगैर किसी का नाम लिए एक्स पर मॉनसून ऑफर दिया है। उन्होंने लिखा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये संदेश जिसके लिए है उस तक पहुँच गया है। और जिन तक वो संदेश जाना था, जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उन तक वो संदेश चला गया है। सवाल उनकी ताकत का भी है, सवाल उनकी राजनीतिक हैसियत का भी है। तो जो संदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, वो संदेश जहां पहुंचना था वहां तक पहुंच गया है। अब देखना ये है कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर आए इस पोस्ट पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का कहना है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने हैं, हरसिंह सपने देख सकते हैं, उनको देखने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहा और जनता ने उनको आदेश जनादेश दिया ही नहीं है, इसलिए जनता का जनादेश उनको मारना चाहिए। और जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, मुझे यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लोकतंत्र इसकी मान्यता कभी भी नहीं देता है। और उनको जानना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आपकी पार्टी नहीं है। जो भी टूट के चले जाते हैं आ जाते हैं, अनेकों अनेक कारण होते हैं, स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है, या सारा एक ही स्वार्थ होता है, भारत माता की जय। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजनीति नहीं चलती, जनता विकास चाहती है। और ये बात उनके ध्यान में जब आ गई है तो सोचते हैं कि एक्स पर पोस्ट लिखकर ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर वो राजनीति कर लेंगे, लेकिन जनता विकास चाहती है और विकास भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है। तो चाहे जितने उटपटांग पोस्ट एक्स पर लिख लीजिए अखिलेश यादव, 27 में आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश ने लिखा था कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई हो रही है, यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में है, अंदरूनी झगड़े में धसती जा रही है बीजेपी, बीजेपी में चल रही है तोड़फोड़ की राजनीति। अखिलेश की पोस्ट के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर सोशल मीडिया पर करारा पलटवार किया है। केशव मौर्य ने लिखा, देश प्रदेश में मजबूत संगठन सरकार, समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा, एसपी के गुंडा राज की वापसी असंभव, 2027 के चुनाव में 2017 दोहराएगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 33 सीटें मिली, वहीं विपक्षी गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी नंबर 1 बन गई है। एसपी को 37 सीटों पर जीत मिली,
सहयोगी कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इसके बाद से लगातार बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यूपी में धार्मिक त्योहार और धार्मिक यात्रा को लेकर भी नए नियम बनने के बाद से सियासत अब तेज हो गई। अब कांवड़ यात्रा को लेकर आए नए आदेश से सियासी वार पलटवार चरम पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखने के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? कोर्ट इस पर खुद संज्ञान ले। इसके पीछे शासन प्रशासन की मंशा की जांच हो, जांच के बाद उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है, सौहार्द शांतिपूर्ण वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए यूपी पुलिस के आदेश पर निशाना साधा। ओवैसी ने यूपी पुलिस के फैसले का कड़ा विरोध किया है। ओवैसी ने इस फैसले को हिटलर शाही से जोड़ा है। हालांकि पुलिस के आदेश के बाद लोगों ने दुकान के बाहर नाम वाले होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के मामले का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए जारी किया गया है, जिसे हम नहीं होने देंगे। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे? आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। दुकान पर नाम लिखे जाने का जहां मुस्लिम नेता और अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, वहीं से लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि सभी दुकानदारों को अपना सही नाम लिखना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों को धोखा देना सही नहीं है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की गई है। TMC सांसद ने इसे लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरे मामले में सियासी घमासान क्यों मचा है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखना जरूरी है। नाम लिखने से शिव भक्तों को कंफ्यूजन ना रहे। खाने पीने वाली दुकानों में नाम लिखना जरूरी है। कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी या फिर श्रद्धा से खिलवाड़ ना हो। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। दरअसल कुछ दिनों पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दुकानदारों से अपील की थी कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। कांवड़ रूट को लेकर सहारनपुर और शामली में भी आदेश जारी किया गया। कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना होगा। मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली में आदेश का पालन किया गया। सहारनपुर DIG ने आदेश जारी किया है। का नाम जरूर इंगित करें ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और कांवड़ यात्रा सकुशल उत्पन्न हो। जो भी यात्री आए उनको सही कीमत पर चीजें मिले और सही सामग्री उनको उपलब्ध हो सके। कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने के आदेश पर भले ही सियासी तनातनी जारी है, लेकिन बागपत में रेड़ी और ठेली पर सामान बेचने वालों के साथ कई दुकानदारों ने भी इसका समर्थन किया है। ये मुजफ्फरनगर पुलिस बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि दुकानदार अपना नाम लिखेगा तो कांवड़िया वहाँ भोजन करेगा, खाना खाओगा, शिकंजी पीऊगा, उसे जो भी खाना पीना है उसके हिसाब से मिल पाओगा। जो प्रशासन आदेश देगा हमें वो ठीक है और मानने के लिए हम तैयार हैं।
कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन का फैसला है ताकि कांवड़ लाने वालों को कोई कंफ्यूजन ना हो। कांवड़ यात्रा में कोई गड़बड़ी या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने फैसला लिया। हालांकि स्थानीय लोग भले ही इसके समर्थन में हैं, लेकिन इस पर सियासत जोरदार हो रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी की एक बार फिर इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार यह सवाल सीनियर आईएएस अधिकारी नियाज खान ने उठाया है। नियाज खान का कहना है कि जिस तरह से देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। उधर इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने समर्थन किया तो कांग्रेस ने नियाज खान के बयान पर आपत्ति जताई। मुस्लिम आबादी एक बार फिर सवाल। सीधा सीधा आबादी बढ़ने से जीवन प्रभावित होता है और जो हमारी पुरानी मदरसा शिक्षा पद्धति है। आईएएस नियाज खान ने भी उठाए सवाल। बढ़ती मुस्लिम आबादी, बढ़ रही समस्या, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। एमपी टू असम, मुस्लिम आबादी पर सवाल। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। एक बार फिर से मुस्लिम आबादी सवालों के घेरे में है। लगातार देश में बढ़ रही मुस्लिम आबादी अब हर वर्ग के लिए सवाल बनती जा रही है। सीनियर आईएएस अधिकारी नियाज खान ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। नियाज खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तार्किक सोच नहीं आएगी, केवल सही शिक्षा ही इसे नियंत्रित कर सकती है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से धरती की आबादी बढ़ रही है, धरती विनाश की ओर पहुंच रही है, भयंकर पर्यावरण संकट आ रहा है। अगर हमारी आबादी सीमित रहेगी तो हम परिवार को बेहतर ढंग से चला पाएंगे, अच्छे जीवन जी पाएंगे और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मुस्लिमों के मॉडर्नाइजेशन के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी था। मुस्लिम आबादी को लेकर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि जनसंख्या विस्फोट किसी भी समाज या देश के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है। कुरीतियां, कुप्रथाएं किसी भी समाज की हो, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। और जब उसी समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग उनके खिलाफ आवाज उठाता है, चिंतन करता है, तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य है। अल्पसंख्यक समाज के, मुसलमान समाज के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, सिर्फ मौलवी क्यों बने, ये एक लंबे समय से चर्चा का विषय है। और जनसंख्या विस्फोट किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए कोई सकारात्मक संदेश नहीं है। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को एकत्रित होकर इन कुप्रथाओं के प्रति चिंतन करके इनमें बदलाव लाना चाहिए। कांग्रेस ने नियाज खान के बयान पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा नियाज खान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा था उन्होंने पटल पे, चर्चा हो तो मनसुख मांडविया जी ने कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री ने, कि आप इसको वापस ले लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण में हर समुदाय, हर धर्म के लोग योगदान दे रहे हैं, सबका जो रेट है, ग्रोथ रेट जो है वो गिर रहा है, घट रहा है, उसमें मुस्लिम समुदाय भी हैं, हिंदू समुदाय भी है, आदिवासी हैं, सब हैं। ऐसे में नियाज खान जी के ट्वीट को इतना महत्व देना, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केंद्रीय मंत्री की बात को समझना। ये सिर्फ विवादास्पद स्थिति पैदा करने की बातें होती हैं। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपना अलग दावा है। बीते दशकों में जिस तरह से हिंदू आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब समाज का हर वर्ग मान रहा है मुस्लिम आबादी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।